देखो जी, मैं कहीं आपको दिखाऊं बड़े मजे के तरीके से बनते हैं ये। अंकल कैसे बना रहे हैं देखें जरा। वो देख बस बनता कैसे ये। क्या बात है अंकल जी, जरा उड़ा के दिखाएं। उड़ाए उड़ाए वो हो गया। सर्दियों की सौगात जो पूरी सर्दियां खत्म होने तक जाने ही नहीं घर से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है, आप सब ठीक ठाक हो? तो वेलकम करते हैं आपका न्यू व्लॉग के अंदर। अच्छा यार, मेरी आवाज इसलिए बैठी हुई है कि मुझे थोड़ा सा फ्लू हो गया है, सर्दियां आ गई हैं। और ये देख लो जी फबीहा, आपने नाश्ता किया? मैंने कहा था पहले नाश्ता करो कि फिर आपको व्लॉग में लूंगा। उस वक्त से कही जाते मैंने व्लॉग में आया, मैंने कहा पहले नाश्ता करो फिर मैं व्लॉग में लूंगा। अभी मैंने नाश्ता करना है, नाश्ता करके मैं और फबीहा आज जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गार्डन। अच्छा जी, तो हमने जाना है आज गार्डन, और उससे पहले मैंने नाश्ता करना है। और तबीयत सर्दी आई जा रही है और तबीयत खराब होती जा रही है। नाश्ता करके मैं और फबीहा और दो तीन बच्चे करके और होंगे आज शायद, नहीं तो फबिया तो कंफर्म है हमने जाना है गार्डन। उससे पहले करते हैं नाश्ता और फबिया ने भी रेडी होना, नाश्ता करके फबिया को रेडी करके फिर निकलते हैं गार्डन। सुबहान अल्लाह, सर्दियों की सौगात जो पूरी सर्दियां खत्म होने तक जाने ही नहीं घर से। बात तो सही है। साग और रोटी, रोटी भी ये सादी नहीं है, ये मिस्सी रोटी है, दाल वाली रोटी कहते हैं इसको। तो एक बाइट लेते हैं और चखते हैं। बाइट मैंने पहले ले ली है लेकिन अब आपके सामने बाइट लेके दोबारा चखते हैं इसको। मजेदार साग और मज़े का ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके साथ सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो कमी है मक्खन की। और वो जो मक्खन की कमी है ना, वो भी शाम तक दूर हो जाएगी क्योंकि ये घर में मक्खन निकल रहा है। तो शाम का फिर से खाना यही होगा मुझे लगता है, मक्खन और साग। अच्छा यार, गार्डन जाने से पहले भैया कहते हैं आज नमाज मस्जिद में पढ़ के आनी है, तो जा रहे हैं घर के करीब वाली मस्जिद में जाके पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद गार्डन जाएंगे। क्योंकि भैया कहते संडे है, कभी कभी तो मौका मिलता है मस्जिद जाने का, तो आज मस्जिद जाके नमाज पढ़ेंगे। हमने तुम्हें ये शरीफा दिया और हम तुम्हें ये नंबर। नमाज पढ़ के आ गया हूँ, रेडी में हो गया हूँ। और मैं आया हूँ तो देखा फबीहा भी रेडी है और मेरा नीचे इंतजार कर रही है। हाँ फबीहा चले, इधर देखो क्या कर रही हो, गार्डन जाना है? चलो चले, चलो गाड़ी में बैठो चल के। तो यार बस अभी थोड़ा सा सामान रखना गाड़ी में, उसके बाद हम निकलेंगे गार्डन की तरफ को। मैंने असल में ना बड़े अरसे से फबीहा से प्रॉमिस किया हुआ था कि जो संडे मेरा फ्री आएगा मैं तुम्हें उस दिन गार्डन लेके जाऊंगा। तो आज अल्लाह की तरफ से कि संडे फ्री निकला है तो आज इसकी सुनी गई है, इसको लेके जा रहा हूँ मैं। कहाँ लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ? गार्डन में। आए, और जिसने पिछला व्लॉग देखा वो इस ट्रैक सूट से वाकिफ होगा। की हो गया, बड़े अरसे बाद मिल रही हो। अच्छा जी, तो फबीहा मेरे साथ बैठ गई है, ये फबीहा आ गई पीछे, और मैंने साथ बैडमिंटन रख लिया। तो बस अभी निकल रहे हैं। क्या लगा दूं? देखा कह रही सीट बेल्ट लगा दे, मेरी बच्ची कानून की पासदारी करती है। आप फबीहा चले अंदर चले। हाँ। क्या लेना है आपने? झूले लेने हैं चिजिया। अच्छा जी, अच्छा यार पार्किंग सारी फुल है, एक जगह खाली थी वो भी ये टोयोटा वाले ने गाड़ी लगा दी यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा खजल खवार होना पड़ेगा गाड़ी लगाने के लिए। और ये खाली मिल गई जगह, ये खाली मिल गई, उतरो भाई। वो नहीं खाली है, खाली है, उतरो। अच्छा जी, बच्चे सारे उतर गए पहले ही। फबीहा क्या कर रही हो? फबीहा पहुंच गई गार्डन, साथ ये सकीना भी आ गई है। फबीहा ने कहा मैंने अकेले नहीं जाना, ये दिलाजबाजी भी आ गई है और साथ ये बासिल भी आ गया। आओ तो जाए खेलते हैं, आ जाओ दिलाज पकड़ो इनको, बासिल जा पकड़ यार उसको। दो साल सर, दो साल। लो भाई जी। हाँ जी ठीक है, ठीक है। अच्छा यार टिकट्स ले ली थी, टिकट्स क्या, टिकट्स सिर्फ नाम की टिकट्स है, 20 रुपये टिकट है यहाँ की। और बाग बहुत प्यारा है। अच्छा यार, ऐसे ऐसे फूल हम लोग अपने घर ले आए ना तो अगले दिन ये मुरझाए होते हैं, और यहाँ माशाल्लाह ने बड़े अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। और फबीहा उधर ना जाओ, क्या मसला है बोलो, क्या बात है, कहाँ जाना है? किधर जंपिंग कासल में? अच्छे वाले में जाते हैं ना,
और शरीफ अबिया ने आते साथ जिद लगाना शुरू कर दिया जी, जंपिंग कासल में जाना है, अभी मैं लेके जाऊंगा आपको। ओके अच्छा यार, ये बलून्स देख के ना मुझे अपनी नानों का घर याद आ गया, क्योंकि बचपन में ऐसे बलून्स हमने उड़ाए हुए हैं, उड़ाए मतलब खेला हुआ है इनके साथ। तो ये बच्चे भी जिद कर रहे हैं और मेरा अपना भी दिल कर रहा था ये बलून लेते हैं। हाँ जी अंकल, ये कितने का है? ये बलून 50 रुपए का, बोल दे ये बलून चाहिए हमें, दो दे दें दोनों। तो यार बचपन की यादें ताज़ा करेंगे आज हम। अंकल आपने भी खेला हुआ इसे? हाँ जी, उसको ज़्यादा अच्छे थे, अब तो बड़े नरम हो गए। चलो जी ये पकड़ बात, ये लो, ये लो, पकड़ ले फिर फट जाएगा। तो कहाँ निकल गया? पकड़ 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 पकड़ो लाज भाजी, दो ब्लू एक पिंक। हाँ देखो जी, मैं कहीं आपको दिखाऊं बड़े मज़े के तरीके से बनते हैं ये, अंकल कैसे बना रहे हैं देखें जरा। उन्हें बासिल बनता कैसे ये? मजा आया, क्या बात है। लो दिलाज भाजी आपका आ गया ये। जिस जिसने बचपन में इस ब्लू का खेला वो कमेंट्स में जरूर बताए। एक आपने ब्लू लेना है, यही लेना है? चलो ये मुझे दे दो फिर, एक ब्लू दे दो जी, मैंने भी ले लिया अपने लिए। अंकल जी जरा उड़ा के दिखाएं यार, ये बहुत ऊपर तक जाता है, ये देखना जरा, ये देख राय उड़ाए, वो गया। चल बस तेरे घर चला के जाके ले आ। अच्छा यार हालांकि मेरे घर के बिल्कुल पास है रेस कोर्स पार्क, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाता क्योंकि मुझे ये इसकी ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आज आके देख रहा हूँ ये गंद बहुत डाला हुआ है यार, तो यार प्लीज़ ऐसा ना किया करें, गंद उठा दिया करें साथ साथ, अपना गंद अपने साथ लेके जाया करें। अच्छा यार आज आप, मैं आपको ये उड़ा के दिखाऊंगा, ऐसे ही रहता गया। मुझे तुमने बताया भी नहीं अभी, हाँ बताया भी नहीं, बाकी इधर आ गई हो। चलो लो स्लाइड, ये देखना जरा ये वाले काम सारे ऐसे हो जाते हैं खुद। इधर फबिया, इधर ऊपर वाली पे नहीं, इस पे ऊपर वाली पे ना जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा आपको, आप आ जाओ। अच्छा नहीं नहीं पकड़ूंगा, आ जाओ आओ आओ ना तो भैया, जल्दी आओ, बेबी गिरा है वहाँ पे तो वो उसको देख रही है, परेशान हो गई, जल्दी करो। क्या हुआ था यार, जो बलून लिए थे बच्चों के लिए देखा, उन्होंने क्या हालात किए हैं। बाजा तूने फाड़ के फेंका स्पेशल, एक वो पड़ा हुआ है, कोई कोई बड़ी बात नहीं बेटा, हम भी ऐसे कहते थे पहले। थक गई हो? नहीं, नहीं? तुम थका था कि नहीं अभी तक? ये तुम थक गई हो हैं? ये थक गई है तो यार मैं भी थक गई हूँ, अब जाएंगे कुछ खाना पीना खा के फिर घर की तरफ चलते हैं अपने, यहाँ से निकल रहे हैं अभी गार्डन से हम, वैसे भी मगरिब हो रही है अब। 2000 years later। अच्छा यार प्लेलैंड से फ्री हो गया, अभी मैं आ गया उधर कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा पे, और शक्ल से आपको मेरे लग रहा होगा कि मैं थक चुका हूँ, और बस पिज़्ज़ा भी आता है, पिज़्ज़ा खा के फिर घर चलते हैं। अच्छा जी ऑर्डर हमारा आ गया और अब इसको ख़त्म करके फिर यहाँ से निकलते हैं। मज़ेदार। अच्छा यार पिज़्ज़ा खा के मैं आ गया हूँ बाहर अब, और बाहर आते साथ ही थोड़ी ठंड लगना शुरू हो गई है, तो साथ ही मैंने कैप पहन ली अपनी, अब घर जाते हैं, घर जाके बच्चों का रिव्यू लेते हैं। एक बात है, बच्चों को आप जितना मर्जी फिरा लो, बाहर ले जाओ, सैर करा लो, झूले ले दो, बच्चे कभी खुश नहीं होते। बात तो सही है। यार ये आसमान का जरा कलर चेक करना आप, अभी रात हुई नहीं है, हो रही है, और माशाल्लाह क्या कलर है आसमान, शुक्र अल्लाह घर पहुंच गए हैर हैरियत से। और बच्चों का रिव्यू क्या लेना, बच्चे थके इतने हुए थे कि बच्चे भाग के चले गए, और मुझे लग रहा है कि लाइट चल रही है बिजली वाली, जी हाँ जी चल रही है। चलो, और मैंने आपको कहा था बच्चों का रिव्यू लेंगे, लेकिन बच्चों का रिव्यू क्या लेना है, बच्चे पहले ऊपर भाग गए हैं क्योंकि बच्चे थक बहुत गए थे, सिर्फ बच्चे ही नहीं थक गए, मैं खुद भी बहुत थक गया हूँ,
उसकी वजह ये है कि मैं सुबह का उठा हुआ और इस टाइम हालात इस तरह के हैं कि बेड पे जाकर लेटना सो जाना, और तबीयत कुछ इस तरह की है कि फ्लू और फीवर दोनों चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। सर्दी अभी हल्की सी आई है और साथ ही उसने मुझे पकड़ लिया। मेरा ये हर साल की ड्रामेबाजी है, जैसी सर्दी आती है वैसी मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो यार ये तो हो गई बातें जो चलती रहेंगी। उम्मीद है कि व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपने व्लॉग को इंजॉय किया तो इसे अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट करना है। मिलते हैं व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।